अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। 4th of January, टुडे इज द सेकेंड डे ऑफ आर मेन स्ट्रीम ट्रेनिंग। वेलकम टू द ग्रुप, जो नए लोग हैं, एंड टू ऑल्सो टू द ट्रेनी। आप लोगों को कल कम्युनिकेशन स्किल्स का कुछ बताया गया था, कुछ डिटेल्स एक्सप्लेन की गई थी, और आज जो हमारा डे है, इट इज़ फॉर वर्कबुक एंड वर्कशीट, हाउ टू क्रिएट, हाउ टू डिलीट। मोस्टली पीपल नोज एंड बट मोस्टली पीपल डोंट नोज एज वेल। So we have to work on it, how to create worksheets or workbooks or Google Sheets and what exactly are these. तो ये मैं अभी आपके साथ स्टार्ट शेयर करने वाली हूँ। काइंडली फरजाना को एंटर कर दीजिएगा। ओके फाइन। आप सबको पता है कि वॉट एग्जैक्टली इज गूगल ड्राइव। आप सबकी गूगल ड्राइव्स होती हैं, जो जो गूगल में है। हम इसीलिए गूगल्स को प्रेफर करते हैं कि यू पीपल शुड बी एन शुड बी ऑन गूगल, ताकि हमारी जितनी भी शीट्स होती हैं वो आपके साथ गूगल के साथ ही शेयर की जाती हैं। सो आपको क्या करना होता है, अपने ये जिस वक्त आप अपना ब्राउजर ओपन करते हैं, अपना ID लॉग इन करते हैं, तो देयर इज 9 डॉट्स है। इसमें आपको गूगल ड्राइव का ये वाला ड्राइव ओपन करना होता है, जो कि मैंने अभी आपके सामने ओपन कर लिया है दोबारा। जैसे ही आप ओपन करते हैं इसको, तो यहाँ पर न्यू आ जाती है, ये आपकी गूगल शीट। इसी में आपने अपने डिजिटल नोट्स भी बनाए हुए हैं, इसी में आप लोगों के प्रोजेक्ट्स भी होते हैं। हाउ टू क्रिएट देम, आज तो आप मोस्ट पीपल नोस कि किस तरीके से होता है, और यही चीज़ सारी एक्सेल पे भी होती है। पहले मैं गूगल शीट पे करके दूंगी और फिर मैं आपको एक्सेल पे भी करके दूंगी, ताकि इफ पीपल आर वर्किंग ऑन एक्सेल। हमारे भी काफ़ी प्रोजेक्ट्स होते हैं जो कोलैबोरेशन ऑफ एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और गूगल शीट्स दोनों को मिला के कर रहे होते हैं। लेकिन माइक्रो गूगल अगर आप इन दोनों में से एक भी चीज़ को अच्छे तरीके से समझ लें, तो दूसरा इजीली आप उसको हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट सेम ही इनकी कमांड्स हैं, सेम ही इनकी वर्किंग है। एक ऑफलाइन काम करता है और एक ऑनलाइन काम करता है। वी मोस्टली वर्क ऑन ऑनलाइन बेसिस। ऑनलाइन की शीट्स हम जैसा बना देते हैं, अभी आप लोगों के साथ एक शीट शेयर की हुई है हमने, दिस इज अ ऑनलाइन शीट। तो ये इस तरीके से शीट्स जो होती हैं, या इस तरीके से ऑनलाइन वर्किंग जो होती है, ये इजी इसलिए होती है कि रियल टाइम सबके पास एग्जैक्ट चीज़ आ रही होती है, व्हाट एग्जैक्टली वी आर डूइंग और अदर पीपल आर डूइंग। तो ये ऑनलाइन वर्किंग है। एक एक्सेल की शीट होती है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, वो ऑफलाइन वर्किंग होती है। अनटिल और अनलेस आप उसको किसी को भेजो नहीं, वो डाउनलोड आप डाउनलोड ना करें उसके ऊपर वर्किंग, और वो अपडेट भी नहीं होती है रियल टाइम में। अगर मैंने कोई चीज़ लिख के भेज दी है आज की तारीख में, और कल जाके आपके पास पोस्ट तलहा के पास गई है, मतलब मैंने तलहा को शेयर की है, तलहा विल एड थिंग्स इन दैट, तो वो दो कॉपीज बन जाएंगी, वो सेम अपडेट नहीं होगी। जब तलहा वो मुझे वापस भेजेगा कि मैंने इसमें अपनी तरफ से एडिशंस कर दिए, आप इसको अपडेट कर दें, तो व्हाट आई हैव टू डू, मुझे दो काम करने पड़ेंगे, अपनी शीट और उसकी शीट दोनों को खोल के उनको देखना पड़ेगा कौन सी चीज़ अल्लाह ने अपडेट की है। We can do it through some formulas, but we have to do this extra practice. लेकिन in an online sheet, whatever, अभी जिस तरीके से मैंने आप लोगों को कहा कि आप लोगों की attendances नहीं आ रही हैं, मैं real time पर यहाँ पर attendances देख रही हूँ, और आप लोगों ने मुझे forward किए हैं, वहाँ से forms hit किए हैं, और मेरे पास यहाँ पर attendance show होने लग गई है। इसको मुझे अपडेट करने की जरूरत नहीं है। वट यू आर अपडेटिंग इज इनफ फॉर मी, बिकॉज आई टोल्ड यू टू डू दैट। और जो मैं अपडेट करूंगी वो भी आपको रियल टाइम में शो हो रहा होगा कि हाँ जी ये चीज़ जो है एग्जैक्टली जो मैंने की है वो आपको देख रहा था। तो बोथ हैव टू, वी ऑल हैव टू, वी डोंट हैव टू डू दैट वर्क ट्वाइस और थ्राइस अपने अपने एंड पे, क्योंकि वो सब कुछ रियल टाइम में सामने दिख रहा है हमें। So this is the difference between online working and offline working. अभी हम अपनी online working को continue करने वाले हैं। What exactly are workbooks and worksheets in a Excel and Google Sheet and Google Doc and Google Tabs? What exactly these two things are? आप सब लोग familiar हैं Microsoft के Word, एक ऐप है उनकी, एक प्रोग्राम है उनका, जिसके अंदर आप अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर रहे होते हैं। लेट मी ओपन इट साइड बाय साइड, ताकि आपको उसमें भी प्रॉब्लम ना हो रही हो। सी वेयर एग्जैक्टली इट इज इन माय कंप्यूटर, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल ऑन वर्ड।
move it into the. सामने निकाल कर मैं आपको दिखाना चाह रही थी कि ये ऑनलाइन है हमारा और ये ऑफलाइन है. ये मैंने अपने स्टार्ट में ही इनको पिन कर दिया है. आप इन दो आइकन से तो फेमिलियर हैं. ये एक्सेल का आइकन है और ये वर्ड का आइकन है. वर्ड के अंदर हम डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करते हैं, अपना स्टफ लिखते हैं, थ्योरी जो भी होती है वो लिखते हैं. एक्सेल को मोस्टली हम लोग यूज कर रहे होते हैं जहाँ पर हमारे नंबर्स या कैलकुलेशंस या जहाँ पर हमारे लॉजिकल थिंग्स हमारी जहाँ पर ऐड होनी होती है, नंबर्स ऐड होने होते हैं, उस चीज को हम मूव कर देते हैं एक्सेल में. और जो हमारे मेन जो थ्योरी टाइप होता है उसको हम लिखते हैं वर्ड में. तो ये दोनों हमारे ऑफलाइन एप्स हैं माइक्रोसॉफ्ट की. और ये जो हमारा ड्राइव गूगल ड्राइव हमें देता है ये हमारी ऑनलाइन है. उन दोनों पे आप लोगों को मैनुअल काम करना पड़ता है. इसमें सॉरी इसमें आपको ऑफलाइन काम करना पड़ता है, इनमें आपको ऑनलाइन काम होता है. अब थोड़ा सा डिफरेंस है, इन्होंने अपना गूगल का नाम रख के डॉक्स रख दिया है उसका नाम, और दूसरा का रखती है गूगल का नाम रख के साथ शीट्स रखती है. एंड हेयर माइक्रोसॉफ्ट सेज इट इज एक्सेल एंड इट इज वर्ड फाइल. वो उन दोनों में डिफरेंस कोई नहीं है सिवाय ऑनलाइन और ऑफलाइन के. आई एम गोना स्टार्ट विद गूगल डॉक्स फर्स्ट. गूगल डॉक्स की फाइल किस तरीके से आपको क्रिएट करनी है, सिंपल. आप यहाँ पर जाएं, इसको क्लिक कर दें और इसका लिंक को सेव कर लें. मैंने आप सबको कहा था कि अपने गूगल जिस तरह इंडेक्स एक मैंने आपको तैयार करके दिया है, इसी तरह का आप अपनी गूगल शीट बनाएं और उसमें एक इंडेक्स फाइल जरूर रखें. गूगल हाँ गूगल शीट बनाए उसमें एक इंडेक्स फाइल जरूर रखें, जिस तरह का ये मैंने 365 की रखी है. इसके अंदर आप अपने सारे लिंक्स शेयर करते जाएं, वट एवर यू एट हेयर. सपोज आपको मैंने कहा कि आप अपने डिजिटल नोट्स तैयार करें, तो डिजिटल नोट्स के लिए आपको इस शीट पे आना पड़ेगा. मतलब यहाँ पर आप अपना नाम रखें, जो भी आपने इसका नाम रखा है. सपोज मैं इसका नाम रख देती हूँ, अपने नाम से कम कुछ भी रख सकते हैं. यहाँ पर ट्रेनिंग सेशन रख देती हूँ, ये ट्रेनिंग सेशन के डॉक्स हैं. कोई भी नाम हो सकता है, इट कैन बी एनी. लेकिन जो नाम है वो रिफ्लेक्ट करना चाहिए कि उसके अंदर क्या चीज़ है. आपने हर डॉक्यूमेंट को खोल के तो नहीं देखना होता ना. ये हमारी बहुत बुरी आदत है. हम कोई भी चीज़ का क्रिएट फोल्डर करते हैं अपने डेस्कटॉप पे भी, और न्यू फोल्डर 1 2 3 4 5 6 करके बीच में अपना काम रख देते हैं और उसके बाद फिनिश कर देते हैं. हम उसको एग्जैक्ट पाथ ही नहीं देते हैं, नाम ही नहीं देते हैं. और जब कभी हमें उसको देखने की ज़रूरत पड़ती है तो हम क्या कर रहे होते हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स को खोल कर देख रहे होते हैं कि हाँ जी वो मैंने फाइल रखी थी यहाँ पर, आई डोंट नो वो कहाँ है, अब मैं उसका नाम क्या था मुझे ये भी नहीं याद है. जब आपने एक स्पेसिफिक नाम रख दिया होगा और उसको आप सिंपल सर्च को हिट करेंगे तो आपके जैसा अभी मुझे ये वाला फॉर्म नहीं मिल रहा था और मुझे लगा कि शायद मैंने इसका नाम चेंज कर दिया और वहाँ पर नहीं किया, जो कि नहीं किया था. मैंने सिंपल इसके नाम को, जो मैंने नाम इसका रखा हुआ था अपनी हर शीट पे, मैंने ऐसे ही नाम रखा है. आई सिंपली गो देयर और मैंने इसको यहाँ पर लिखा है. अगर आपको ये यहाँ पर दिख रहा है, वही नाम मैंने यहाँ लिखा है और उसको मैंने सर्च ऑप्शन में कह दिया कि मुझे सिर्फ फॉर्म दिखाओ इस नाम से, और उसने मुझे फॉर्म खोल के यहाँ पर दिखा दिया और मैंने उसको ओपन कर लिया. इट वॉज ईजी. अगर मैं इसको इस तरह ना करती और मैं इसको बस पागलों की तरह ढूंढती रहती अपनी ड्राइव में, तो मैं भी मेरा घंटा लग जाता, क्योंकि मुझे मैंने इसके ऊपर नाम ना रखा होता इसका, तो मैं इसको पागलों की तरह ढूंढती रहती कहाँ है कहाँ है, कहाँ से ढूंढूँ, कौन सा था. तो वो ऑर्गेनाइज करना बहुत ज़रूरी है आपको अपने काम को, ताकि कम से कम टाइम लगे. इट्स नॉट फॉर अस, इट्स फॉर एनी थिंग यू आर डूइंग इन योर लाइफ. सो दिस इज़ हाउ यू क्रिएट योर डॉक्यूमेंट. इसके अंदर के फॉर्मेट्स जितने भी हैं वो हम आहिस्ता आहिस्ता आगे आगे आपको बताते रहेंगे, बट फॉर राइट नाउ हाउ टू क्रिएट आर डॉक्यूमेंट फाइल और वर्ड फाइल. वर्ड जिसका ऑफलाइन एक वर्ड का डॉक्यूमेंट होता है, उस तरीके से आपने इसको क्रिएट कर दिया, आपने इसका नाम भी रख दिया.
जो नाम आपने इसका रखा है उसी को अपने पास इंडेक्स में रखिए, ताकि आपको पता हो कि ये मेरा नाम, ये ही मेरी फाइल है, इसके अंदर ही मैंने ये चीज डालनी है और ऐसी रखनी है। आई एम जस्ट गोना शेयर माय जो हमारी पूरे प्रोजेक्ट है, जो मेरे अंडर प्रोजेक्ट्स हैं उनके कुछ डिटेल्स मैं आपके सामने यहाँ पर शेयर करती हूँ। मैंने हर डिटेल का हर प्रोजेक्ट का एक टैब बना रखा है नीचे, लेकिन उसके साथ साथ मैंने उसको सेव भी किया हुआ, सो आई डोंट हैव टू थिंक कि वो कहाँ है, किधर था, किस तरीके से था। ये हमारी ट्रेनिंग के हैं, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं, इनके अंदर अंदर अपने अपने डिटेल्स भी हैं। अभी जैसा ये मैंने ट्रेनिंग सेशन का निकाला है, तो आई हैव प्रिपेयर्ड अ स्पेशल टैब फॉर, आई हैव अ स्पेशल वर्कशीट फॉर दैट टैब। मैं बजाय इसके कि मैं उसको कहीं पे भी एंटर करूँ, मैं उसी के अंदर जाऊँगी और उसी टैब को खोल के, अब से यहाँ पर वी हैव आर डिफरेंट डिफरेंट लिंक्स ऑफ द शीट्स फॉर्म्स, और उसी नाम से हमने रखे हुए हैं, और उसी नाम से जिस जो जो हमें चीज़ जहाँ चाहिए होती है हम उसको वहीं पे उठा के रख भी रहते हैं। सो ऑल आर दीज थिंग्स आर हेयर, ये सारे ट्रेनिंग से रिलेटेड टैब्स हैं। अब जिस तरीके से यहाँ पे सपोज ये वाला भी आ गया है हमारा, ये टू डेल है, हमने जो डिलीट करने होते हैं वो भी रखते थे ताकि चीज़ें मैसी ना हो जाए। अभी ये मैंने इसको यहाँ रख दिया है, कोई भी नाम जो भी मेरी जरूरत का था, ट्रेनिंग सेशन डॉक है, और मैंने इसी का फाइल का लिंक उठा के इसको अपने पास यहाँ सेव कर लिया। मैं बार बार ये चीज़ इसलिए एक्सप्लेन करती हूँ क्योंकि आप लोग ये करते नहीं है, और क्या करते हैं, वट एवर इज शेयर विद यू यू गो टू योर ई मेल एंड सर्च कि हाँ जी वो ये मेरे साथ शेयर हुआ था, इस दिन को शेयर हुआ था, ये किया था, वो किया था, करने की ज़रूरत नहीं है। आप स्ट्रेट अवे उसका नाम रखें और इस तरीके से उसको यहाँ पर सेव कर दें, प्लस ये आपके साथ शेयर भी हो जाती है, किसी के साथ होती है। यहाँ पर आप शेयर को क्लिक करें, अगर आपने किसी को व्यूइंग आईडी देना है, जैसा मैंने सबको व्यूइंग आईडी, आप लोगों को जिस इस शीट का व्यूइंग आईडी दिया होगा, सिंपली यू जस्ट गो और यहाँ पर इसको क्लिक कर दें और लाइक दिस, और इसका चेंज, अगर मैं यहाँ पर व्यू की जगह इसको एडिटर कर देती हूँ जो कि यहाँ पर शो हो रहा है, तो आप इस फाइल के अंदर एडिट भी कर सकते हो। अगर मैं व्यू कर दूंगी तो आप सिर्फ सिर्फ इसको व्यू कर सकेंगे, आप इसके अंदर और कोई काम नहीं कर सकेंगे। जैसे ही मैं इसको कर दूंगी, इसको डन कर दूंगी, तो ये जिस जिसके पास इस शीट का लिंक होगा वो इसको व्यू कर सकता है कि हाँ जी इसमें कोई काम हुआ है या नहीं हुआ। अगर आपने इसकी एग्जैक्ट लोकेशन भी देखनी हो या कहीं पर मूव भी करना हो, तो आप इसको इसी नाम से अपनी ड्राइव में सर्च भी कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ से किसी और फोल्डर में इन योर ड्राइव आप इसको मूव करना चाहते हैं, सपोज ये अब एक बन गया है और ये डॉक्यूमेंट बना हुआ था, मैंने अपने ध्यान से बनाया कि ये मैंने ट्रेनिंग में बनाना है, लेकिन मैंने इसके अंदर काम कोई और शुरू कर दिया और मुझे इसका नाम चेंज करना पड़ा, तो मैंने इसे ट्रेनिंग ट्रेनिंग वाले अपने फोल्डर में से मूव करवाना चाह रही हूँ। इट वॉज हेयर फर्स्ट, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि इसमें ना आए, मैंने इसका कोई भी नाम रख दिया हुआ है, तो मैं इसको इसमें डालना चाह रही हूँ। आई जस्ट क्लिक ऑन इट और वो वहाँ से अपने डॉक्यूमेंट में से मूव करके यहाँ पर भी मूव हो जाता है। सो यू डोंट हैव टू गो डू अनदर एफर्ट कि आप ड्राइव को खोलें और उसमें से सर्च करके इसको यहाँ मूव करवाएं, आप यहाँ से भी सिंपल इस स्टेप से मूव करवा सकते हैं। ये जो आपका स्टेटस, ये जो क्लाउड शो हो रहा होता है, दैट शोज कि दिस फाइल इज ऑनलाइन, ठीक है। ये जिस वक्त ऑफलाइन हो जाता है तो ये इसके ऊपर क्रॉस भी आ जाता है, साथ लिखा भी होता है कि इट्स वर्किंग ऑफलाइन, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं आपको देखनी होती हैं जब आप काम कर रहे हैं। अभी जो ये शीट है मेरी, इसमें जैसे जैसे लोग आते जाएंगे, ज़्यादा लोग आ जाएंगे, एक कैपेसिटी होती है इसकी, ज़्यादा लोग आ जाएंगे तो यहाँ पर ये शीट मेरी ऑफलाइन हो जाएगी, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा लोग हो गए, मेरी तरफ से एडिट एडिट एडिटिंग अभी पॉसिबल नहीं है अनटिल अनलेस ये सब लोग निकल ना जाए। तो ये भी एक ऑनलाइन जो होती हैं वर्कबुक्स होती हैं उसका प्रॉब्लम होता है कि अगर बहुत ज़्यादा ऑडियंस इसके अंदर आ जाए एकदम से, तो उसके अंदर भी वर्किंग का प्रॉब्लम आ जाता है। प्लस अगर बहुत ज़्यादा डाटा आप इसके अंदर डंप कर दें एक शीट के अंदर, तो एक एक वर्कबुक एक वर्कशीट के वर्कबुक के अंदर, तो भी इसमें मसाइल आते होते हैं, तो भी ये ऑफलाइन होते हैं, कोई मसला नहीं होता। आप इसको स्प्लिट कर दें डिफरेंट चीज़ों में, डिफरेंट आईडीज, डिफरेंट लिंक्स करके एक में ऐड कर दें, तो वो भी आपके काम को एक ही जगह से मॉनिटर किया जा सकता है, लेकिन और उसमें भी किया जा सकता है, और ऑनलाइन काम भी किया जा सकता है भले आपकी ऑडियंस ज़्यादा आए या ना आए। सो गोइंग बैक टू द वर्कबुक्स एंड वर्कशीट्स, आपने वर्क अपना वर्क का डॉक्यूमेंट, जिस आप यहाँ पर अपने वर्क के डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करते हैं, न्यू ओपन करते हैं, आप क्लिक करते हैं अपनी ऐप के ऊपर, दिस इज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का ऑफिस का जो वर्ड है वो ओपन हो रहा है, और मैंने अभी आपको यहाँ पर उसी की जो ऑनलाइन फॉर्म है वो मैंने आपको
शो कर दिया कि हाउ टू क्रिएट दिस थिंग प्लस दिस इज ऑनलाइन बट दिस दिस थिंग इज ऑफलाइन. जैसे ही ओपन होता है अब ये आ गया है सामने, आपको सिंपल न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है लाइक दिस, और आपके पास वही चीज़ जो है प्रॉपरली यहाँ पर शो होने लग जाएगी फॉर्म उसके अंदर वर्ड फॉर्म में. आपको उसको रिनेम करना है तो दिस इज द वर्ड फॉर्म, बट अगेन दिस इज अ वर्ड डॉक्यूमेंट, लेकिन ये ऑफलाइन है ये ऑनलाइन नहीं है. आप इसको सिंपल कुछ भी आप इसको लिखें, आप इसको सेव कर देते हैं, सेव करते हैं तो वो आपको पूछता है कहाँ सेव करना है. जब आप उसको किसी भी डॉक्यूमेंट में अपने जाके सेव करते हैं तो वो सिर्फ यहाँ पर आ गया सपोज ट्रेनिंग. इसको आपने सेव कर दिया तो ये वर्ड फॉर्म जो है हमारा डॉक्यूमेंट सेव हो गया. अब इसके अंदर आपने जो कुछ भी लिखना है इसकी फॉर्मेटिंग वगैरह मैं आपको बाद में बता दूंगी. और दिस इज़ हाउ यू कैन क्रिएट योर फॉर्म डॉक्यूमेंट ऑन ऑफलाइन बेसिस एंड ऑनलाइन बेसिस. नाउ आई एम मूविंग टूवर्ड्स गूगल शीट एंड व्हाट यू से Google, sorry, Excel. In offline, it says Microsoft Excel, and online, it is Google Sheet. So, how to create a Google Sheet? You have to go to the new. Sorry, it's not sheet. It Google Sheet ही है. उसके आगे tabs हैं और Excel की workbook होती है और उसके आगे Google Sheets होती हैं. तो ऐसा mix हो गया. Sorry. Google Sheet को किस तरीके से create करना है? आप इसको click कर दें new को जाके और वो प्रॉपर आपकी एक शीट तैयार हो गई है. इस शीट को अगर आपने किसी के साथ शेयर करना है तो अगेन जिस तरीके से आपने अपने डॉक्यूमेंट फाइल को शेयर किया था उसी तरीके से आप शेयर करेंगे. दिस इज कंप्लीट गूगल शीट है, ठीक है. इस शीट के अंदर आपके टैब्स हो सकते हैं. ये छोटी शीट्स हो जाती हैं, इनको टैब्स भी कहा जाता है क्योंकि टोटली एक वर्कशीट है, स्प्रेडशीट है, इसकी अपनी अंदर शीट्स हो सकती हैं. लाइक इट्स प्रॉपर एक नोटबुक का कवर पेज है. कोई भी आपकी कॉपी या बुक होती है या जो कुछ भी जिसपे आप लिख रहे हो रजिस्टर है उसका ये एक मेन एक्सेस हो गई है. उसके अंदर आप जितने मर्जी पेजेस ऐड करो आपके पेजेस ऐड होने लग जाते हैं जैसे ही आप जो ये शीट के नाम से आ रहे होते हैं. लेटर ऑन यू कैन रीनेम देम. आप कोई जो लोग हम साथ साथ ऑलरेडी काम कर रहे हैं इन बिल्ड योर कनेक्शंस में उनको भी देख रहे होंगे कि वो जब हमें अपनी गूगल स्प्रेडशीट देते हैं तो वो सिर्फ एक शीट बना के हमें देते हैं. उसके बाद जब हम उनको अलाउ करते हैं तो हमने एक और टैब यहाँ बनाई हुई होती है जिसमें उन्होंने काम करना होता है. तो दिस इज हाउ यू कैन ऐड पेजेस एंड ऐड वर्क ऑन इट लाइक दिस. फॉर एग्जाम्पल आई एम गोना शो यू हियर. एज आई हैव टोल्ड यू कि ये मेरी गूगल शीट का मेन इंडेक्स शीट है जिसे आप स्टार्ट में फहरिस्त वगैरह कहते हैं. मैंने यहाँ पर अपनी बनाई हुई है और मैं जैसे जिस जिस प्रोजेक्ट पे जिस जिस का काम करना उसके आगे से मैंने उसके अंदर राइटिंग करनी शुरू कर दी हुई है. प्रोजेक्ट फाइल्स नेम रख दिए हैं, गूगल शीट्स रख दी हैं. इसी तरीके से जिसको भी मैं ओपन करूँगी उससे रिलेटेड सारी डिटेल्स वहाँ पर अवेलेबल हैं. ये मेरे पेजेस हैं जिनके ऊपर रिलेटेड मैंने डाल दिए हैं लिंक्स डाल दिए हैं. डिफरेंट लिंक्स हैं, ये एक ही लिंक्स नहीं है. डिफरेंट डिफरेंट नाम, डिफरेंट डिफरेंट लिंक्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं. आपके डिफरेंट डिफरेंट काम हो सकते हैं. सपोज आप स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, यूनिवर्सिटीज में हैं, कहीं पर भी हैं तो दिस इज़ हाउ यू कैन क्रिएट योर नोटबुक ऑनलाइन जिसे हम डिजिटल नोट्स भी कहते हैं. डिजिटल नोट्स कैन बी डॉक फाइल डिजिटल कैन दिस हाँ डॉक फाइल डिजिटल कैन नोट्स कैन बी ऑन एक्सेल शीट एज वेल ऑन द स्प्रेडशीट एज वेल ऑनलाइन. तो ये बहुत ज़रूरी होते हैं. दिस इज़ हाउ यू कैन क्रिएट योर शीट्स. और इसी तरीके से अगर हम एक्सेल पे करते हैं, एक्सेल की भी गूगल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरह ही शीट एक क्रिएट होती है. आई एम जस्ट गोना ओपन इट हियर ताकि ये ओपन हो जाए साथ साथ और हम आगे चल सकें. सो आई हैव डन क्रिएट अ न्यू वर्कबुक और वर्कशीट. इंसर्ट एंड डिलीट वर्कशीट्स. इंसर्ट तो आपको पता चल गया कि हाउ टू इंसर्ट टैब्स. यू जस्ट हैव टू ऐड हियर और आपके टैब्स एंटर होते जाएंगे. प्लस अगर आप इंडेक्स की वट आई प्रेफर कि हम जिस वक्त किसी भी
स्प्रेडशीट में हो तो ये इंडेक्स का टैब जरूर ऐड हो हर जगह पे, वो इस वजह से कि किसी भी पेज से आपको वापस जाना हो तो यू डोंट हैव टू रश बैक, इसको क्लिक करके यहाँ से दाएं यहाँ से बाएं ना होना पड़े, या आपको ये ड्रॉप डाउन इसका आ जाता है उसमें जाके ऊपर नीचे करने की जरूरत ना पड़े। आप सिंपल किसी भी टैब में हो उसके फर्स्ट पेज फर्स्ट यहाँ पर इंडेक्स जरूर शो होना चाहिए, जो कि मैंने तलहा को कहा था कि हर चीज में कर दे और ये भूल गया है। इस तरीके से इंडेक्स जो है मस्ट आपके हर पेज में शो होना चाहिए कि ये यहाँ पर अवेलेबल है। तलहा ओके इंडेक्स है यहाँ पर, कहीं पे भी आपने यहाँ पर काम छोड़ दिया आपको वापस जाके किसी और शीट के अंदर एंटर होना है, यू जस्ट क्लिक ऑन इंडेक्स और आप उसी शीट में वापस चले जाएंगे। तो हाउ टू डिलीट शीट्स, दिस इज ऐड आपको मैंने करना बता दिया, हाउ टू डिलीट द पेजेस और शीट्स, जो कि हम एक आम जुबान में बता दूं कि दीज आर द पेजेस जिसमें आप ऐड कर रहे होते हैं, लेकिन कंप्यूटर में इसको या जो इसका प्रॉपर नेम है आइदर दीज आर टैब्स एंड शीट्स, ये गूगल की स्प्रेडशीट है बड़ी शीट है और उसके आगे से ये टैब्स हैं जिसमें शीट जिनको शीट्स भी कहा जाता है। यू कैन ऐड देम फ्रॉम हेयर, यू कैन लोकेट देम फ्रॉम हेयर, यू कैन लोकेट देम फ्रॉम हेयर, अगर ज़्यादा हैं जैसा ये मैंने ज़्यादा क्लिक्स किए हैं अभी 6-7 ज़्यादा हैं तो यू कैन find which you want to go, किसको आपने ओपन करना है तो आप उनको लेफ्ट राइट करके यहाँ से भी सर्च कर सकते हैं। तो किस तरीके से डिलीट करना है, जिस तरह मैंने बताया कि आप इंडेक्स ऐड करें तो आप यहाँ पर उनका किसी भी फर्स्ट टैब में जहाँ पर आपके सामने आप उसको ऐड कर दें एक ऐसा शीट का नाम जिसमें आप वापस जाके उसको क्लिक करें और वो आपको उसी में ले जाए बगैर जैसे कि आप यहाँ से ढूंढें या इसको यहाँ से फाइंड आउट करें। बट दीज आर द वेज इफ़ यू आर नॉट डूइंग दैट थिंग विच आई टोल्ड यू, आप इस तरीके से भी इसको फाइंड कर सकते हैं। सपोज मुझे शीट नंबर 12 डिलीट करनी है तो आई जस्ट क्लिक ऑन दिस एंड आई विल से डिलीट, ये डिलीट कर देगा, इसका रिकॉर्ड आपके पास नहीं रखेगा कहीं पे भी नहीं होगा। ये आपको कहता है कि इफ़ यू वॉन्ट टू डू इट प्लीज री चेक, आपको वार्निंग देता है हेड अप, आर यू श्योर यू वॉन्ट टू डिलीट दिस शीट एंड इफ आई से, मतलब जब मैं दोबारा इसको रीड करूंगी तो मुझे पता होगा ना कि मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही हूँ, मैं दोबारा से उसको वेरीफाई करूंगी, हाँ जी ये मैंने देखना, ये वापस नहीं आना, जब वापस नहीं आना तो फिर मैं इसको ओके कर दूँ। एक आपको मजे की चीज बताती हूँ, ऑफलाइन अगर आप ये काम करते हैं जिसका ये गूगल अच्छा एक्सेल में ये है, एक्सेल में भी आपकी शीट्स और ये अब हमारी वर्कबुक है, बुक नंबर 1 है, इसका ऑटो नाम उसने रखा हुआ है और इसके भी ऐड करने के लिए आपको इस तरीके से इसके अंदर आना पड़ता है लाइक दिस, ऐड करते जाएं करते जाएं करते जाएं आपके पेजेस ऐड होते जाते हैं, आप काम करते रहें, अगेन इट्स अ ऑफलाइन वर्किंग। और अगर आपने इसको भी डिलीट करना है तो इसको भी यहाँ से डिलीट जाके करेंगे, लेकिन मैं आपको जो डिफरेंस बताने वाली हूँ, ये आप डिलीट करेंगे तो ये रिकवर नहीं होगा, ठीक है, ये डिलीट करेंगे तो ये रिकवर नहीं होगा, सेव कर दिया तो द डाटा इज लॉस्टेड, कारण ये अब तो आपको म्यूट कर लें जो भी ऑनलाइन जो भी जिसका भी माइक ऑन है, तलहा ज़ाहिद काइंडली मेक श्योर कि सब ऑफ है, ओके ये डिलीट कर देंगे तो ये वापस नहीं आएगा, लेकिन अगर आप इस ऑनलाइन डॉक्यूमेंट में से कुछ डिलीट करेंगे तो वो आपको हिस्ट्री बताता है, देयर इज अ हिस्ट्री अप देयर, लास्ट एडिटेड वाज फ्यू सेकंड्स अगो, आपने अगर इसकी हिस्ट्री देखनी है, काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है हम किसी प्रोजेक्ट में होते हैं तो इंटेंशली और अनइंटेंशली किसी भी तरीके से हमारे काम को थोड़ा सा मैसी करने के लिए लोग कर देते हैं, मैं कुछ नहीं कह सकती कि वो क्यों करते हैं लेकिन कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं, ख़राब कर देते हैं, तो वो मैं रिकवर कैसे करती हूँ, आई जस्ट गो टू दैट दैट हिस्ट्री, एक सेकंड मैं वापस जाऊँ पहले मैं आपको बता दूँ भूल गई कि जहाँ कहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया, तो लास्ट एडिटेड वाले पे ओपन वर्जन ऑफ हिस्ट्री ओपन हो जाते हैं, नहीं तो यहाँ पर फाइल पे जाएं और यहाँ पर भी आपके पास वर्जन ऑफ हिस्ट्रीज आ जाती हैं और वो पूछता है कि आपने कौन से वाले वर्जन को ओपन करना है, देखना है कि मैंने इस पर काम करना था या नहीं करना था। आपको याद होना चाहिए सी वर्जन मैं सारे वाले देखना चाहती हूँ, मैं नाम भी डाल सकती हूँ कि मुझे इसका वर्जन चाहिए, लेकिन मैं ऐसा करती हूँ मैं यहाँ से भी क्लिक कर सकती हूँ, मैं यहाँ से भी क्लिक कर सकती हूँ, मैं किसी भी पॉइंट से क्लिक करूँ जाना मैंने इसी पेज पे होता है। जैसे ही यहाँ पर मैं आ जाती हूँ ये एक हमारे पास सारी डिटेल्स यहाँ पर शो होने लग जाती हैं कि इस
इस टाइम पे इस डॉक्यूमेंट के साथ ये काम हो चुका है। जैसा मैं आपको अपनी ही शीट का दिखा देती हूँ, ये मेरी शीट है, इसको लास्ट अपडेट किया है तलहा ने अ सेकेंड अगो, जो कि ये इंडेक्स डाल रहा है, और हम देख लेते हैं कि अभी इसने तलहा ने इसमें वर्किंग क्या की है। ही मिस्ड दैट एंड ही इज डूइंग राइट नाउ। तलहा इज दिस ट्रू? यस हाँ, अब तलहा की वर्किंग हो रही है या इसने कुछ डिलीट कर दिया है, मैं देखना चाह रही हूँ कि अभी सपोज यहाँ पर ये मैंने इंडेक्स डाला था और अब ये तलहा डाला, दिस इज द करंट वर्जन, उसके बाद के सारे वर्जन ऐसे ही हैं। जैसे ही मैं क्लिक करूंगी किसी भी डे को, तो वो मुझे बताएगा कि इसमें ये एक्टिविटीज हुई हैं, तो ये भी एक्सपेंड हो रहा है। इसमें इस टाइम के अंदर ये दो एक्टिविटीज हुई हैं जो कि मैंने ही की हैं, सो आई नो कि इसके अंदर अगर कोई भी काम हुआ तो वो मेरे से ही हुआ हुआ, किसी और से नहीं हुआ हुआ। और दिस शीट इज टू हैवी एक्चुअली, इट्स नॉट वर्किंग, आई ओपन सम अदर थिंग। मैं तो दूसरी शीट ओपन कर देती हूँ क्योंकि ये बहुत हैवी है, इस पे नहीं होगा, शो नहीं कर पाऊंगी आपको। I'll go to the mic project, where is it? मैं आप लोगों को ना रियल टाइम एग्जांपल इसलिए देती थी क्योंकि उसमें जो कुछ हुआ होता है वही हो रहा होता है, इसके अलावा कुछ नहीं हो रहा होता। मैंने कुछ क्रिएट पहले से नहीं किया होता, वट एवर आई हैव मैं उसी के ऊपर आपको वर्किंग करा के दे रही होती। तो दिस इज द थिंग, इस ये एक शीट है मेरे पास और ये सारा डाटा इसके अंदर एंटर आया हुआ है। लास्ट अपडेट जो हुई थी वो ये हुई थी, मैंने देखना है कि इसके कितने वर्जन है, सपोज किसी ने डिलीट कर दिया, क्यों डिलीट कर दिया मुझे वो भी चेक करना है इसको। वट आई डू, आई क्लिक ऑन द वर्जन, मुझे इस वर्जन के अंदर जाना है। क्या हो गया भाई? और ये हिस्ट्री यहाँ पर पूरी शो होने लग जाएगी और ये भी पता चल रहा होगा कि किसने किस वक्त क्या इसमें ऐड किया, किस दिन किस किसने इसके वर्कशीट के अंदर काम किया, और अगर एक ही दिन है तो डिफरेंट डिफरेंट टाइमिंग्स में कौन कौन था उसके अंदर वर्किंग करने वाला। सपोज 10 दिसंबर को इस शीट के अंदर 3 लोग थे, अब वो 3 लोग किस किस टाइम पे अवेलेबल थे, उन्होंने क्या क्या काम किया, वो भी यहाँ पर शो हो जाएगा। इफ आई क्लिक ऑन दिस, व्हाट इज दिस, व्हाई इट्स टू स्लो? ओके फाइन, आपको बताना था कि हाउ टू चेक द वर्जन एंड अपलोड द वर्जन, प्रीवियस वर्जन जो सा भी अगर आपसे कोई उड़ गया है या डिलीट हो गया है तो वो आप ऑनलाइन इसको इस तरीके से पिक कर सकते हैं, या फिर तो खुल जाए। बहुत जरूरी होता है ताकि कनेक्शन स्टेबल हो। I'm so sorry. I think my network is very slow today. Do we have a Hafiz bhai here? Hafiz bhai? नहीं हाफिज भाई नहीं है, उनका मैसेज आया, उनका नेट नहीं चल रहा। ओके, फरहाना आज का जो असाइनमेंट है इनका वो आज ले लें या उसको कल पे मूव कर दें ताकि आई फिनिश दिस थिंग, क्योंकि 15 मिनट्स रह गए हमारे पास। अब इसी को फिनिश कर लें, कर ले लेंगे। हाँ कल ले लें, कल दो कट्ठे ले लेंगे क्योंकि कल तो हम इसे फॉलो अप लेने हैं ना। ठीक है, ठीक है। ओके फाइन, दिस इज द डैशबोर्ड। और अगेन अगर ये खुल जाए, क्योंकि मैंने सबसे छोटी फाइल उठाई है जिसमें इतना डाटा नहीं है, अगर ये चल जाए अभी तो ये लोड हो रहा, ये जो मार्क है इसका ये लोडिंग का मार्क है, जैसे ही लोड हो जाएगा ये फिनिश हो जाएगी, शीट लोड हो गई फिनिश हो गया। ओके, मुझे इसमें देखना है कि इसके अंदर कल क्या क्या काम किया है, ये तलहा के साथ शेयर्ड है, तलहा ने इसके कल के क्या क्या काम किया है, किया भी है या नहीं किया। सो व्हाट आई विल डू, आई विल गो टू द हिस्ट्री लाइक दिस, और ये ओपन हो जाएगी मेरे सामने। अब तलहा के इसमें रिस्पॉन्सेज हैं, क्या रिस्पॉन्सेज हैं, सिर्फ तलहा के हैं और मेरे भी हैं। मैं इसको ओपन करके देख लेती हूँ कि 3 तारीख को इसमें क्या काम हुआ, 3 तारीख वाले वर्जन में क्या कुछ काम हुआ। तो 3 तारीख के वर्जन में पहला काम ये हुआ कि इसमें मैंने फार्मूलाज एंटर किए, ठीक
ठीक है, वो भी उसने शो कर दिया कि इस टाइम पे ये काम हुआ। दूसरे वर्जन में क्या हुआ, कुछ भी हो सकता है, आई वॉज वर्किंग ऑन फार्मूलाज, तो वो ये यही शो कर रहा था right। ये लोड कर रहा है जो उस टाइम का, इस टाइम का जो वर्किंग थी वो सिर्फ उसको लोड कर रहा और बाकी सबको अंडू कर रहा। वही टैग्स, वही सब कुछ यहाँ पर आपको नीचे दिखेगा। ये देखिए, अगर हम ये 17 दिसंबर वाले टैब में जाएं, 17 दिसंबर वाले को रिस्टोर करना चाहें, तो 17 दिसंबर को जितना काम हुआ था इस शीट पे सिर्फ वही दिखेगा। 17 दिसंबर को हमारी शीट तो क्रिएट कर ली थी हमने, हमने इसमें फार्मूलाज भी ऐड किए थे लेकिन कम किए थे, सारे नहीं हुए थे। तो वो हमें बताएगा कि हाँ जी, ये आपने शीट तो क्रिएट की है बट इसके अंदर ये काम इस टाइम पे इतना हुआ हुआ था, इसके बाद नहीं हुआ था। अगर आपको लग रहा है कि बाद का काम आपसे गलत हुआ है और मुझे इस वाले वर्जन को रिस्टोर करना चाहिए, तो वो क्या करेगा, वो आगे का सारा वर्जन जो है वो अंडू कर देगा और इस वर्जन को जो कि जनवरी, जो कि आपका जनवरी 17 का मैंने ओपन कर, दिसंबर 17 का उसे कहा है ओपन करे, वो इस वर्जन को रिस्टोर कर देगा। वो बाकी सारे वर्जन्स को डिलीट कर देगा और यहाँ से इसको वर्जन को रिस्टोर कर देगा। और अगर आप चाहते हैं कि हमारा प्रीवियस सारा डाटा भी वहाँ पर होल्ड हो और जो हमारा अपडेटेड है वो भी हो, कोई डिलीट आपसे शीट हो गया, तो वो उसका आसान तरीका क्या है कि आपने जैसे ही ये लोड हो गया है, आपने ये एक गलती है जो आपने रेक्टिफाई किया और आपने इसको पिक करना है, तो बजाय से कि आप इसको रिस्टोर दिस वर्जन करें, आप इसको हाईलाइट करके सारे को कॉपी करें लाइक दिस और अपने नए टैब में जाएं, शीट किसी भी शीट में जाके उसके न्यू टैब में जाके इसको वहां पर कॉपी कर ले। उससे होगा ये, सपोज जिस तरह ये मैं इसको यहाँ से कॉपी कर रही हूँ, आई थिंक नेट इज नॉट वर्किंग टुडे। आज मेरा नेट का कोई इशू आ रहा है तो इसको यहाँ से मैं कॉपी करके ये पूरा वर्जन इसने डाउनलोड कर लिया है। मुझे अगले वाले वर्जन को डिस्टर्ब नहीं करना, लेकिन ये जो किसी से कुछ डिलीट हो गया था, मुझे इस डॉक्यूमेंट को उठाना है यहाँ से। तो व्हाट आई विल डू, मैं जितना डॉक्यूमेंट मुझे वहाँ या जितना पीस मुझे वहाँ से चाहिए मैं उसको हाईलाइट करूंगी और उसको कॉपी करके किसी भी शीट पे या इसी शीट के वापस जाके, मैं इसको कहती हूँ नहीं मुझे कुछ भी नहीं करना, मुझे वापस जाना है, मैं इसी की शीट के आके वहां पर जहां पर मुझे रखना है मैं रेक्टिफाई कर लिया है, इसका एक नया टैब बनाऊं और वहां पर उसको ऐसे पेस्ट कर दूंगी। जैसे ही पेस्ट कर दूंगी तो मेरे पास उसी फॉर्म में, जिस फॉर्म में वहां से मैं उठा कर आई हूँ, उसी फॉर्म में यहाँ पर ये आ जाएगा और जहां पर इसकी जगह है मैं उसको वहां पर जाके पेस्ट कर दूंगी जहां से ये डिलीट हुआ है या जहां से ये रिमूव हुआ है। तो वो मेरा जो लॉस्ट डॉक्यूमेंट है, अनटिल अनलेस मैंने स्प्रेडशीट को निकाला नहीं या स्प्रेड बुक को डिलीट नहीं किया अपनी ड्राइव में से, तो वो वहाँ पर अवेलेबल है इसका डाटा। मैं इसको यहाँ से उठा के, एक्चुअली ये फार्मूला है जो लोडिंग पे लगा हुआ है, उसको मैं वापस आके जहाँ से मुझे चाहिए था, जहाँ पर गड़बड़ हुई थी वहाँ पर आके मैं इसको पेस्ट कर दूंगी, तो इट विल स्टार्ट वर्किंग अगेन जैसे कि पुराना काम कर रहा था। प्लस जो नया डाटा है वो भी मेरा डिलीट नहीं होगा। तो दिस इज हाउ आई कैन रिकॉल माय डिलीटेड डाटा। अगर किसी से कुछ डिलीट हो गया है तो वो हम पिक कर लेते हैं, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि हर चीज़ आप डिलीट करते रहो, क्योंकि अगर इस चीज़ को लेके आने के लिए भी इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग सोचना देखना, तो बेहतर ये होता है कि पहले आप ध्यान से करें, अगर नहीं तो फिर इसका हाउ टू अंडू दिस थिंग इज अवेलेबल है। लेकिन इन एक्सेल शीट यू कैन नॉट अंडू एनीथिंग, इफ यू डिलीट समथिंग वो वापस नहीं आता। अगर आप इसको यहाँ पर सेव क्लिक कर दिया, सेव क्लिक कर दिया, बंद कर दिया, बाद में याद आया वो तो गलत डिलीट हो गया, तो दैट विल नॉट कम बैक। इसके अंदर ये ऑप्शन नहीं है ऑफलाइन वर्किंग में, बट ऑनलाइन वर्किंग में ये ऑप्शन है। सो आई हैव कवर्ड क्रिएट अ न्यू वर्कबुक, इंसर्ट एंड डिलीट वर्कशीट्स और टैब्स, मूव और कॉपी वर्कशीट्स, वो किस तरीके से करनी है आप इसको। सपोज मैं चाह रही हूँ कि मेरे पास इसी का रेप्लिका, इसी में एक और टैब बन जाए, जैसा ये बिल्ड योर कनेक्शन का हम आपकी कनेक्शन आपके शीट्स में बनाते हैं, हमने एक फॉर्मेट इतना बना दिया हुआ है, सिर्फ यहाँ पर एंटर करते हैं
और इसको मूव करवा देते हैं। आप इसको राइट क्लिक करें और सॉरी लेफ्ट क्लिक करें और इसको इस तरीके से आपका आ जाता है मेन्यू आ जाता है कि आपने इसको क्या करना है। अगर तो आप इसको कहते हैं कि मुझे इसको डुप्लीकेट कर दो, तो वो इसी टैब के अंदर आपको नई एक टैब बना देता है, इसी की एक और टैब यहाँ पर आपको बना देता है जो कि इसने ये बना दिया। मैंने बिल्ड योर कनेक्शन वाले को डुप्लीकेट करने को कहा था, तो उसने कॉपी ऑफ डुप्लीकेट सेम वही फॉर्मेटिंग, कुछ भी चेंज नहीं किया इसने। व्हाट एवर इज हेयर इट इज देयर और वी हैव अ मीटिंग विद सर। तो इसी का रेप्लिका जो है उसने ये तैयार कर दिया है मुझे यहाँ पर। यही शीट मैं चाहती हूँ कि ये किसी मेरी एग्जिस्टिंग शीट के अंदर चली जाए, जिस तरह हम आप लोगों के शीट्स में मूव करवाते हैं ना। सपोज व्हाट आई डू, मैं इसी शीट को यहाँ से पिक कर एग्जिस्टिंग शीट करती हूँ और मेरे साथ शेयर्ड है या वो मेरे अपनी ड्राइव की शीट है, मैं उसके अंदर इसको मूव कर दूंगी। किस तरीके से करूंगी, या मेरे पास उसका लिंक हो। सपोज मैं जस्ट टू शो यू मैं क्या करती हूँ, मेरे पास एक शीट का लिंक है जो कि मैं आपके सामने इसको इसी को ओपन कर लेती हूँ। मैं चाहती हूँ कि ये इस शीट में आके मेरे पास कॉपी हो जाए, तो व्हाट आई'ल डू, आई'ल टेक आइदर, या तो मैं इसका नाम लिखूंगी उसमें जाके कि हाँ जी इस शीट इसी शीट 365 की जो ये मेरी शीट है मेन स्ट्रीम की, मैं इसको यहाँ से क्लिक करूंगी तो ये इस टैब में मूव हो जाएगी और उसके साथ चली ये तो फोल्डर्स है ना मेरे, ये मैं चाह रही हूँ कि इस शीट में एंटर हो जाए। अगर मैं यहाँ लिखूंगी तो वो ऑटोमेटिकली उसमें कॉपी कर देगा, और अगर आप इसको देखें तो ये यहाँ से बिल्ड योर कनेक्शंस में से उठ के आपकी इस शीट के अंदर कॉपी ऑफ बिल्ड योर कनेक्शन के टैब से यहाँ पर शो होने लग गई है, क्योंकि मैंने इसको वहाँ से मूव किया है। लेकिन ये एक तरीका था इसका। अब मैंने दूसरा आपका तरीका इसको बताना है कि किस तरीके से आप उसको लिंक देके भी किसी शीट में ऐड कैसे कर सकते हैं। तो आपने इसी को यहाँ से पिक किया, कॉपी किया, एग्जिस्टिंग शीट किया, आपके पास कोई भी शीट है उसका लिंक है जिसमें आपने इसको मूव करवाना है, तो आप इसको कंट्रोल सी करें और इसको यहाँ पर और पेस्ट अ वेब एड्रेस हियर। इन तीनों के अलावा भी अगर कोई ऑप्शन है तो वो ये है, आप किसी भी लिंक को ऐसे शेयर कर दें और सेलेक्ट कर दें। जैसे आप सेलेक्ट करेंगे तो अगेन ये वाला जो टैब है ये उस गूगल शीट में, बशर्ते वो ऑनलाइन शीट होनी चाहिए, उसमें जाके शो होने लग जाएगा। अगेन वो आप जब यहाँ देखें तो ये दोबारा से यहाँ पर शो होने लग। तो दिस इज हाउ यू कैन मूव योर शीट्स एज वेल एंड डुप्लीकेट और कॉपी योर शीट्स। लेकिन आप इसको इसके अंदर एक्सेल के अंदर ये काम नहीं कर सकते। वट एवर इज हेयर विल रिमेन हेयर, इसको कोई ऑनलाइन एक्सेस नहीं है। आप इसको यहाँ से रिप्लेसमेंट इसकी चेंज कर सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं कर सकते हैं कि ये किसी और शीट में ये शो होने लग जाए जैसे ऑनलाइन हो रहा था। लेकिन अगेन हमें कॉम्बिनेशन के साथ काम करना पड़ता है, तो कभी हम इस तरीके से आते हैं, कभी हम उसके साथ कर रहे होते हैं, कुछ डिटेल्स हमारी ऑफलाइन हो रही होती हैं, कुछ कुछ सिस्टम्स हमारे ऑफलाइन चल रहे होते हैं, कुछ ऑनलाइन चल रहे होते हैं, हमें दोनों को साथ लेके चलना भी है और बताना भी। तो दिस इज हाउ यू कैन डू दैट, फिल डाटा ऑटोमेटिकली। किस तरीके से आप कोई भी डाटा ले देते हैं उसको आप किस तरीके से फिल कर लेते हैं ऑटो इन डिफरेंट सेल्स, सॉरी ये ओपन हो रही है मेरे सामने जो हमने ऑलरेडी खोली हुई थी। ठीक हो गया। आपने सपोज यहाँ पर नंबर नंबरिंग की है 1, 2 और 3, आप चाह रहे हैं अगर तो यहाँ पर कोई डाटा होता, कोई भी डाटा होता, सपोज ये मैं ए लिखा है, ये कोई भी किसी किस्म का भी डाटा है और मैंने इसे कॉपी करके, ये मेरे पास ऑलरेडी सेट ऑफ डाटा है, ये एक मेरे पास सेट है डाटा का और ये इतना लिखा हुआ है, तो इसके साथ मैं चाह रही हूँ कि मैं इसकी नंबरिंग कर दूँ कि मुझे पता चले कि कितनी लाइन्स में अवेलेबल है मेरे पास। तो मैं क्या करूँगी, फर्स्ट 2 और 3 नंबर्स लिख के जो भी मुझे उसको देनी है नंबरिंग करनी है, उसके यहाँ पर ये कॉर्नर वाला जो बटन इसको क्लिक करूंगी तो ये ऑटो फिल कर देगा नीचे तक। ठीक, मैंने इसको डबल क्लिक किया है तो ये जहां तक मेरे पास सेट ऑफ डाटा है वहां तक उसने उसको फिल कर दिया। दिस इज वन वे टू डू इट। अनदर वे इज जिस तरह हम सारे माशाल्लाह बच्चों वाले हैं, बहुत कम है जो सिंगल भी होंगे। टेबल्स के इस यही सेट ऑफ डाटा जो है आप टेबल्स
कोई भी आप सेट ऑफ डाटा कर दें, आप इसको कहते हैं जी 2, 4, 6, 8 के हिसाब से ये हमारी एंट्री हो, उसकी भी एंट्री आप इसी तरह कर सकते हैं। अगेन वी हैव अ सेट ऑफ डाटा, कोई भी सेट ऑफ डाटा हो हमारे पास, मैं इसी को ड्रैग करके नीचे ले जाती हूँ। तो ये इस ए, कोई भी आप इसको वैल्यू डिफाइन करते हैं, वो उसी वैल्यू के साथ डबल क्लिक करेंगे तो वो नीचे जाना शुरू हो जाएगा। ठीक, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, सो दैट स्टार्टेड लाइक दिस। इसमें कोई भी आप कर दें, किसी कोई भी आप वैल्यू इसको दे दें, वो उसी वैल्यू के साथ नीचे तक चला जाएगा। दिस इज द वे हाउ टू फिल डाटा ऑटोमेटिकली। आप इसको कहते हैं कि ये इस तरीके से, दूसरा तरीका इसका ये होता है, आप ड्रैग कर देते हैं, आप कहते हैं एक को मैंने किया है, दूसरे को कर दो, दो लाइनें छोड़ के मैं ये कर दूं, फिर तीन लाइनें दो छोड़ के, मतलब एक आपको पैटर्न देना होता है उसको। जब आप इसको ऐसे क्लिक कर लेते हैं और इसको अगर आप इसको ड्रैग भी करेंगे तो ये उसी तरीके से चल पड़ेगा। और सर ने मेरी मीटिंग को कर दिया। ओके फाइन गाइज, इट्स 11 नाउ एंड सर की मीटिंग है, तो आई एम लीविंग। इंशाल्लाह विल स्टार्ट इट टुमारो। थैंक यू वेरी मच।